Hi, my name is Adhan Dasar, and you're watching me on Bollywood Spy. Hello and welcome to Bollywood Spy. This is me, Arshi Siddiqui, and I am with Siddhant Isar today in conversation with. So, Siddhant, hi, हाय कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बस. थैंक यू. बढ़िया. तारकासुर का कैरेक्टर आप प्ले करने जा रहे जी हैं वन ऑफ द टॉप शो करंटली, शिव यस शक्ति, तप यस त्याग और तांडव में. जी कैसी प्रिपरेशन रही है, कैसा लग रहा है शो ज्वाइन करने पर? और प्लीज बताइए, हमें बहुत कुछ जानना चाहते हैं तारकासुर के कैरेक्टर से लेकर आपके जी प्रिपरेशन तक. जी बस बहुत खुश हूँ क्योंकि इस वक्त ये नंबर 1 शो चल रहा है, टॉप यस 5 में है. यस एंड एक एक्टर के लिए बहुत मोटिवेशनल होता है कि यार मैं एक इतने बड़े शो में एंट्री मार रहा हूँ बिल्कुल. तो अच्छा लग रहा है. प्रेपरेशन रही है, 1-2 महीने का समय मिला है प्रिपेयर करने के लिए, जी तो जो भी मुझे ब्रीफ दिया गया था उसे पढ़ा, कुछ पुराने किरदारों को देखा, कुछ चीज़ें उठाई वहाँ से करेक्ट. जितने खलनायक रहे हैं टीवी पर, फिल्मों में, कुछ अपना एक बनाया कैरेक्टर. अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर कैसे उभर के आता है. बिल्कुल. मैंने सुना है कि आपने एक काफ़ी टफ फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर जाकर जी अपने बॉडी और अपने डाइट का ख्याल रख के जी काफ़ी कुछ जी प्रिपरेशन करी है, उसके बारे में भी प्लीज़ जानना चाहेंगे. जी बेसिकली मैंने थोड़ा ना फास्टिंग की, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ताकि आपका थोड़ा लीन हो जाओ, मसल करेक्ट. ज़्यादा गेन कर लो. एक आम आदमी में देखिए हमें नॉर्मल लगना पड़ता है, वी आर एक्टर्स, यस वी आर नॉट बॉडी बिल्डर्स. बट जब हम एक असुर का और इतने पावरफुल खलनायक का एक पोर्ट्रेल करते हैं तो करेक्ट. स्क्रीन पे एक प्रेजेंस होनी चाहिए. बिल्कुल. वो प्रेजेंस को लाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें अपनी बॉडी में इम्बाइब की और कोशिश की है कि अच्छा लगूँ स्क्रीन पे जब आऊँ. डेफिनेटली. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिद्धांत, अगर मैं बात करूँ आपके फादर जी पुनीत जी की, तो पुनीत सर कहा जा रहा है कि आप उनके फुटस्टेप्स पर को फॉलो कर हाँ रहे हैं, जो करियर डिसीशंस उन्होंने लिए उसी जी तरह आप आगे बढ़ रहे हैं. हाउ डू यू सी दिस एंड आपका क्या POV है इसको लेकर? जी देखिए एक नेचुरल एक टोनालिटी होती है करेक्ट जो आपको फेवर भी करती है. करेक्ट. जैसे आप जिस माहौल में बड़े रहते हो, बड़े होते हो, मैं जब छोटा था सेट्स पे जाता था तो ही वॉज मोस्टली डूइंग माइथोलॉजिकल शोज, करेक्ट जय माता की डायरेक्ट कर रहे थे हेमा मालिनी जी के साथ, ये वो. करेक्ट. तो देखा, एक आइडिया हो गया कि हाँ ऐसे होता है, तो आपको एक कंफर्ट नेचुरली रहता है. करेक्ट. तो वो एक इट्स एन ऑलरेडी ऑब्वियस थिंग कि हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ आसानी से, तो आप उस फुटस्टेप्स पे फिर आप जाते हो, करेक्ट. यू नो. थ्रू दैट, व्हाट आर द BTS, प्लीज टेल अस, जब आप लोग शूट करते हैं या जब आप जिन भी को स्टार से आप मिले तो कैसा माहौल रहता है? क्योंकि अगर हम स्क्रीन पर देखें तो इट्स क्वाइट सीरियस, काफ़ी कुछ ड्रामेटिक चीज़ें हो रही है. यू आर पोर्ट्रेइंग, आप एक स्टोरी लाइन जी दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो, लेकिन वो बिहाइंड द सीन कैसा माहौल रहता है एक्टर्स के बीच में, वही सेम जी बिल्कुल कॉस्ट्यूम में आप लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे होते जी, हो? आपको बहुत फनी लगेगा क्योंकि देखिए असलियत में तो जैसे स्क्रीन पे आप देखते हैं कि ये लोग असुर हैं और जी ये देवता हैं और ये विष्णु भगवान है, ये शिव भगवान है, बट रियल लाइफ में तो हम सब इंसान हैं, दोस्त यार हैं. करेक्ट. तो आप अक्सर देखोगे मेकअप रूम के बाहर नंदी बैल जो बने हैं, नंदी बना है, जी और जो इंद्रदेव बना है और जो राक्षस बना है, जी तीनों बैठ के रील बना रहे हैं साथ में, और या कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हैं, या तीनों डायट पेप्सी पी रहे हैं, कोको कोला पी रहे हैं, यस आपको अच्छा लगेगा कि चाय पी रहे हैं साथ में बैठ के. तो करेक्ट. फनी भी लगता है कभी कभी कि अरे यार ये देखो, बट हाँ वैसा होता है फिर. एंड हाउ मच डिफिकल्ट और चैलेंजिंग इट इज़ फॉर यू, सिद्धांत, कि आप लोगों को इतने हैवी मेकअप, इतने हैवी कॉस्ट्यूम, ज्वेलरीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेड गेयर प्लस विग, विग, उसके साथ में 12-12 घंटे शूट करना बट पड़ता है. देखिए वो एक चैलेंज भी है लेकिन उसका मजा भी अपना है, खुद का है, जी बिकॉज उसके लिए तो आप ऐसा किरदार चुनते हैं करेक्ट. एंड यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि अभी जब मैं जाऊंगा वो 14-15 घंटे में ये सब पहन के एंजॉय करूंगा. यू करेक्ट. टू लुक एट इट लाइक दैट, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन ऑल्सो, यू नो. या ऑल राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, विजुअली आप लोगों को कितना, व्हाट डू यू कॉल, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, राइट? क्योंकि सारा कुछ VFX पर है, तो व्हाट आर दोज की पॉइंट्स दैट यू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी सीन? की पॉइंट्स आर लिटिल बिट सी, बेसिकली यू हैव टू मेंटेन योर थिंग दैट आप जब कहीं पे हो आपको फ्रेम के हिसाब से काम करना पड़ता है. कभी करेक्ट समटाइम शूटिंग विद VFX इज नॉट ईजी ऑल्सो, करेक्ट. यू नो. जैसे मेरा मेरे कैरेक्टर में तो अभी तक इतना आया नहीं है, लेकिन जैसे विष्णु जी का वो इतने सारे हाथ लेते हैं तो यस आपको अलग अलग पोजिशंस पे हाथ रखने पड़ते हैं, तो करेक्ट.
थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है। अभी मेरा केबल वर्क किया उन्होंने, यस तो चढ़ना कूदना इस एंगल पे मारना फिर वहां पे जुड़ेगा, इट्स अ यस टेक्निक। और हमें तो, हम तो टेक्निकल लोग नहीं, हम तो आर्टिस्ट हैं, करेक्ट कभी कभी हम भावना के प्रभाव में बह जाते हैं, करेक्ट तुमको लगता नहीं है फ्रेम से बाहर चला गया ये, वो तो आपको मेंटेन करना पड़ता है। डेफिनेटली. ऑल्सो हाउ मच प्रेशर यू हैव और मे बी यू होल्ड जब आप एक ऐसे कैरेक्टर के लिए हाँ बोलते हैं विच हैज़ रियली क्वाइट इम्पॉर्टेंस ऑन द शो, जो पाइवेटल है, क्योंकि तारकासुर के एंट्री से ही काफ़ी सारी चेंजेस होने वाली चेंजेस है होने इन द हैं, शो. बिल्कुल सो हाउ मच डू यू फील यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड सिंस द शो इज ऑलरेडी या डूइंग गुड सो यू सी, हैव इट्स टू अ प्रेशराइजिंग थिंग, बिकॉज या आपको पता है कि मेरा पिविटल कैरेक्टर है, अभी इसके बाद में इट्स गोइंग टू गो हियर, करेक्ट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू पुट इन माई लाइफ। जी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना आप पे कि आई हैव टू गो वर्क हार्ड एंड टेक दिस शो समवेयर, करेक्ट. सो वो रहता है, वो प्रेशर रहता है एज एन हाउ एक्टर आर आप यू पे। कोपिंग अप विद दैट? ठीक है, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती तो आप और मेहनत करती हो, गिव योर करेक्ट बेस्ट ऑल्सो एज एन एक्टर, करेक्ट. वही है। ऑल्सो राम यशवर्धन और सुभा राजपूत के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रही ऑन द सेट अभी सुभा तक? राजपूत आई हैवन मेट येट, या राम इज अ वेरी स्वीट बॉय, मुझसे बड़े हैं उम्र में थोड़े, यस ट्रीट्स मी लाइक अ यंगर ब्रदर, बहुत प्यार से मेरे साथ बिहेव करते हैं और बहुत गाइड किया उन्होंने अच्छे से, वेरी स्वीट हम्बल पर्सन, करेक्ट वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। अमेजिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके कैरेक्टर एंट्री से क्या कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं एंड हाँ, व्हाट कुड फैंस एक्सपेक्ट नाउ फ्रॉम शिव शक्ति, तप, त्याग सी एंड द तांडव? शो विल टेक अ टर्न, अभी तक जो आप देखते आए हैं उसके बारे में तो मैं बात कर सकता हूँ, जो नहीं देखा उसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकता। आप देखते आए हैं कि शादी हुई, सती माता जी का वो हो गया, दहन हो गया, करेक्ट पीठ, अब एक जो स्टोरी की जो एक एवोल्यूशन होगी ना, वो उस लव स्टोरी से ज्यादा हटके इट विल गो ऑन टू द बिगर पिक्चर, जो करेक्ट वॉर चलते आई है अनंत काल से असुरों और दैत्यों के, दैत्यों और देवताओं के बीच में, मतलब इट इज लाइक महाभारत और ये न्यूक्लियर वॉर से 10,000 गुना बड़ी वॉर थी। करेक्ट बोलते एक वॉर में एक अर्थ नहीं, हजारों लाखों अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती थी, इतनी बड़ी वॉर थी। अब करेक्ट वो होने वाली है, जिसको लीड करने वाला है तारकासुर, अमेजिंग. तो तो वैसा फैंस कुछ के लिए होगा। क्या फैंस मैसेज है? के लिए बस यही मैसेज है कि आपने मार्वल में देखा ना एंड गेम, जब थैनोस आ जाता है सब करेक्ट खत्म होने, अभी वो टाइम आ गया है, देख लो तारकासुर को आएगा, अभी करेगा सब, त्राहिमाम मचाएगा, जरूर देखिएगा।